तो आज की क्लास में हम पेज बॉर्डर के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड में पेज बॉर्डर्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करने में और उनकी प्रिंटिंग करने के लिए। और हम यहाँ पर देख रहे हैं पेज बॉर्डर के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर है एमएस वर्ड का, क्योंकि टाइपराइटर में आप बॉर्डर को प्रिंट नहीं कर सकते या टाइप नहीं कर सकते, वो पहले से प्रिंटेड होना चाहिए। लेकिन एमएस वर्ड में आप कई तरीके के बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पेज बॉर्डर जो कि पेज लेआउट के पेज लेआउट टैब में उपलब्ध होता है, आपका पेज बॉर्डर ऑप्शन। क्लियर है? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने पेज बॉर्डर लगाना है, तो मैंने यहाँ पर दो पेज रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम पेज लेआउट में जाएंगे तो सबसे पहले पेज बॉर्डर दिखाई देगा। आपको ध्यान देना है कि पेज बॉर्डर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर तीन टैब दिखाई देंगे, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। ये तीन टाइप के ऑप्शंस हैं, आपको पेज बॉर्डर को ही सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम लोग, कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, देखने में ये वाला बॉर्डर और पेज बॉर्डर एकदम सेम दिखता है, लेकिन यहाँ पर जब वो कुछ करते हैं तो पेज में बॉर्डर नहीं लगता। फिर उनको दिक्कत ये होती है कि पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर भी नहीं हो रहा है, जबकि वो बॉर्डर वाले ऑप्शन में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, लगभग 90% लोग गलती यहाँ पर करते हैं कि बॉर्डर के बदले, सॉरी, पेज बॉर्डर के बदले बॉर्डर वाले ऑप्शन में काम करते रहते हैं। दोनों अलग ऑप्शन है और अलग अलग जगह पे अप्लाई करते हैं। हमको पेज बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो हम पेज बॉर्डर में आ जाते हैं। अभी फिलहाल इस पेज में कोई बॉर्डर नहीं है, इसलिए नन वाली ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्टेड है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नन रहता है और चार तरीके के यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल उपलब्ध हैं। तो आप पेज बॉर्डर में लिख सकते हैं कि चार तरीके के हमारे पास पेज बॉर्डर स्टाइल उपलब्ध हैं। पहला जो तरीका है, पहला जो स्टाइल है वो है बॉक्स, दूसरा है शेडो, तीसरा है 3D और चौथा है कस्टम। तो हम चार स्टाइल को यूज करते हैं। सबसे पहले बॉक्स स्टाइल देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम बॉक्स स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू दिखाता है, छोटा सा एक बहुत पतली सी लाइन यहाँ पर ऐसे चारों तरफ आती है। तो मैं इसको ओके करूंगा, देखिए चारों तरफ ऐसे लाइन आ जाएगी। क्लियर है? और यहाँ पे चूंकि हमने बॉर्डर भी सेलेक्ट कर रखा था इसलिए यहाँ भी लाइन आ गई। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आती है। क्लियर है? तो देखिए पेज बॉर्डर हमने सेलेक्ट किया जहाँ पर हमारे पास चारों तरफ लाइन आ गई है। अब दूसरा बॉर्डर स्टाइल देखते हैं। फिर से मैं पेज बॉर्डर में जाता हूँ, मैं शेडो पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर राइट साइड में शेडो आएगी, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो राइट साइड में हल्का हल्का शेडो आ रहा है और नीचे हल्का हल्का शेडो आएगा। क्लियर है? इसको और क्लियर देखना है आपको शेडो को, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसकी जो स्टाइल में जो लाइन की स्टाइल है उसको ज्यादा कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। अब आपको देखिए शेडो क्लियर दिखाई देगा, ठीक है? शेडो आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर दिखाई देगा क्योंकि आपने वहां पर लाइन की जो विड्थ है वो बढ़ा दी है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि शेडो वाला जो इफेक्ट है वो कैसे यहाँ पर दिखता है। अगला जो स्टाइल है वो है 3D। 3D करते ही देखिए कुछ 3D इफेक्ट जैसा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए कुछ उभरा उभरा आपको दिख रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है 3D करने से। क्लियर है? तो आपको जो जिस तरीके का बॉर्डर पसंद है उस तरीके का बॉर्डर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ध्यान रखिए कि बॉर्डर इतना ज़्यादा डार्क ना हो कि पूरा फोकस बॉर्डर पे जा रहा हो, उससे डॉक्यूमेंट की जो खासियत है वो कम हो जाती है। इसलिए बॉर्डर थोड़ा पतला और नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो एक से एक बॉर्डर है जो काफी हाईलाइट करते हैं बॉर्डर को। जैसे मैं आपको ऑप्शन में दिखाता हूँ 3D बॉर्डर के अलावा यहाँ पर कुछ आर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे एप्पल वगैरह, चारों तरफ एप्पल। तो ऐसा बॉर्डर आपको नहीं लगाना है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। ये जो छोटे बच्चों की बुक वगैरह होती है उसमें आप लगा सकते हैं, बट कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें ये सब लगाना सही नहीं होता है, ठीक है? इसमें कई सारे यहाँ पे पैटर्न्स दिए हुए हैं आइसक्रीम वगैरह के, तो आप उसको लगा सकते हैं, बट ये सही नहीं है। आपको पतला और सिंपल बॉर्डर लगाएंगे, डॉक्यूमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देखा पेज बॉर्डर जो है, और बॉर्डर हटाना कैसे है, लगाना मैक्सिमम लोगों को आता है, हटाना भूल जाते हैं लोग। यहाँ पर नन पे क्लिक करना है, ये हट जाता है पेज बॉर्डर, ठीक है? तो मैक्सिमम लोग बॉर्डर लगा तो लेते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जब सीख रहे होते हैं तो लगाना सीख जाते हैं, हटाना नहीं सीख पाते हैं। तो बॉर्डर यहाँ से हम हटा पा रहे हैं। ये बॉर्डर स्टाइल है बॉक्स,
शेडो 3D, और ये कस्टम है। कस्टम स्टाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक साइड बॉर्डर ना हो, तो यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये तीन साइड बॉर्डर होगा। ये तीन साइड तो बॉर्डर आ रहा है लेकिन एक साइड छोड़ दिया है क्योंकि ये पेपर जो बुक बनेगी उसमें ये दब जाएगा, तो बॉर्डर यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आप कोई भी बुक ओपन करेंगे ना तो उसमें थ्री साइडेड बॉर्डर रहता है, इसको कस्टम बॉर्डर से हम सेट कर सकते हैं। क्लियर? आप चाहते हैं कि इधर भी बॉर्डर ना हो राइट साइड में भी, तो आप ऐसा भी सेट कर सकते हैं। राइट साइड का बॉर्डर सिर्फ टॉप और बॉटम में बॉर्डर्स आ रहे हैं। क्लियर? तो कस्टम बॉर्डर में आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉर्डर्स में जो लाइन की स्टाइल है वो कैसे ले सकते हैं। जैसे ये डॉटेड लाइन है, जैसे आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो बॉर्डर है ये डॉटेड लाइन से बॉर्डर बनेगी, तो बॉर्डर की लाइन की जो स्टाइल है वो भी आप सेट कर सकते हैं। डबल लाइन का बॉर्डर चाहिए, डबल लाइन की बॉर्डर आ गई आपको, और डार्क बॉर्डर चाहिए, ये डार्क बॉर्डर आ गया। कई प्रकार की यहाँ पर स्टाइल है, आप देख पा रहे हैं कि उसमें से जो भी आपको पसंद है आप वैसा बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बॉर्डर्स के बारे में देखा है। यहाँ पर बॉर्डर का कलर भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको मान लीजिए कलर प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और आपको बॉर्डर जो है ब्लू कलर से चाहिए, तो बिल्कुल आप बॉर्डर का कलर भी सेट कर सकते हैं कलर प्रिंट आउट के लिए। कलर सेट करने के बाद अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालेंगे तो वैसा ही प्रिंट आएगा। क्लियर है? तो बॉर्डर में आप देख पा रहे हैं कि बॉर्डर का कलर सेट करना, बॉर्डर की विड्थ सेट करना, बॉर्डर का स्टाइल सेट करना, उसमें हार्ट सेट करना, ये सारी चीजें जो है वो बॉर्डर के अंदर आती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लगे हाथ, हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। अगर मुझे इसमें बॉर्डर लगाना है, यहाँ पर बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए पेज बॉर्डर नहीं बल्कि ये सिंपल बॉर्डर लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर पेज बॉर्डर लगा देता हूँ और इसमें मैं ऐसा कर देता हूँ, तो देखिए इसमें बॉर्डर लग जाएगा, ये वाले हिस्से में, इस हिस्से में बॉर्डर लगेगा। अब मैं इस हिस्से को जैसे मैं मार्जिन इसका कम कर दूँ तो ये बॉर्डर ऐसा छोटा सा डब्बा जैसे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे मार्जिन कम करने की ऑप्शन दिया रहता है। ये देख रहे हैं कि ये जो कंटेंट है, कंटेंट में अगर बॉर्डर लगाना है किसी टाइप का तो आप यहाँ ये वाले बॉर्डर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कंटेंट में बॉर्डर लगाना है, कंटेंट में आपको कुछ और डिटेल्स लगानी है, कलरफुल बॉर्डर लगाना है या ऐसा बॉर्डर लगाना है, तो आप कंटेंट के बॉर्डर में, कंटेंट में भी बॉर्डर लगा सकते हैं। तो दोनों बॉर्डर ऑप्शन में आपको अंतर पता चल गया। साथ ही साथ शेडिंग ऑप्शन भी आता है, शेडिंग में आपको एक कलर फिल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर कोई शेड दे दिया मैंने, जैसे मैंने शेडिंग में ये लाइट कलर दे दिया तो बैकग्राउंड में देखिए वैसा कलर आ जाता है। तो ये था, हमने देखा कि वाटरमार्क और इसके बारे में हमने जाना आज, बॉर्डर्स के बारे में, पेज बॉर्डर्स के बारे में। क्लियर है?